डियर स्टूडेंट्स यू इन one ऑफ लीडरशिप इमोशनल इंटेलिजेंस topic दिस इज मॉड्यूल that how एंड are हाउ याद रखें resilient होना हमारे लिए बहुत जरूरी है बिकॉज resilient एटीट्यूड ही हमें persistence की तरफ वो लेकर जाएगी जिससे कि हम बेहतर तौर रेजिस्टेंसिस का मुकाबला वो कर सकते हैं और उसके लिए अब हम कुछ एक्सरसाइजेज भी करेंगे ये जानने के लिए कि हाउ एंड 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 वेयर वी आर मोर याद रखिएगा कि जब हम होने का सोच रहे हैं तो देर आर सर्टन स्ट्रेटजीज विच वी नीड टू फोकस अपॉन एंड दो स्ट्रेटजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमारी रेजिलियंस लेवल वो कितनी है और हम रिसर्च से सपोर्ट हासिल करते हैं अपने इस सारी बात को एविडेंस वो देने के लिए देर आर फोर मेन रिसर्च वेज जो हमें यह बताते हैं कि हम कितने रिजिलियंट हैं और हम अपने रिजिलियंस को कैलकुलेट भी कर पाएंगे एक एक्सरसाइजेस के साथ अब वो जो चार तरीके रिसर्च ने हमारे लिए पेश किए दे आर नंबर वन स्टार्ट बाई डेलीब्रेटली ओपनिंग अ स्पेस फॉर रिकवरी टू हैपन और ये चीज आपको अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि आप खुद से इरादातन अपने आप को रिकवरी मोड में वो लेकर आओ द सेकेंड थिंग इज So, रिक्रिएशन के लिए रिफ्रेशमेंट के लिए वो कहीं जाना चाहिए अपने दोस्त अहबाब को मिलना चाहिए अपने फोर वे विन्स के ऊपर फोकस वो करना चाहिए द थर्ड थिंग इज वाइल इट माइट साउंड काउंटर इंट्यूटिव इट इज पॉसिबल टू यूज टेक्नोलॉजी टू लिमिट टेक यूज वाइल बिल्डिंग इंटरनल रिकवरी पीरियड इन टू योर डेली रूटीन बिकॉज ये जितने भी गैजेट्स हम हर वक्त यूज़ करते हैं दरअसल वो अपने साथ हमें इन्वॉल्व किए रखते हैं और उस इन्वॉल्वमेंट से हमारी बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी हमारा मी टाइम वो एक्सप्लॉयट हो जाता है हम फोकस नहीं कर पाते हैं अपने ऊपर अपनी ज़ात पर अपनी वेलबींग well पर तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस रिजिलियंस के दौरान इस एक्सरसाइज के दौरान अपने आप को इन टेक्नोलॉजी गैजेट से भी कुछ दूर रखें ताकि हम एक ऐसा इन्वायरमेंट इंजॉय कर सके विच इज नेचुरल एंड इज नॉर्मल और जिसके अंदर हमारे ऊपर बहुत सारी बंदिशें काम की वो ना हो द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नाउ दैट यू हैव आउट टाइम फॉर रिजोवेशन इट्स टाइम टू एंगेज इन एन एक्टिविटी और टू दैट मेक यू फील हैप्पी एंड रिप्लेनिस्ड अब ये चीज बहुत जरूरी है कि वट आर द ट्रिगर्स जो आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाते हैं आर द ट्रिगर्स जो आपको एक्चुअल की तरफ लेकर जाते हैं यहाँ पर यह चीज भी डिफाइन करना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा कि इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सक्सेस फॉर अस इसी के साथ साथ जब हम अपने रेजिलियंस को कैलकुलेट कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि अ लार्ज बॉडी ऑफ रिसर्च शोज दैट पीपल आर जनरली स्ट्रॉन्ग इन थ्री एरियाज और वो तीन हमारे पास मेजर एरियाज ऑफ फोकस हैं चैलेंज कंट्रोल एंड कमिटमेंट अब एक टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे जिस टेस्ट में हम ये जान पाएंगे कि हमारी क्या स्ट्रेंथ क्या वीकनेसेस हैं और उसके मुताबिक हमें क्या फीडबैक वो दिया जाना चाहिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव वो कर सकें अब इसमें सबसे पहला पोर्शन हमारे पास है चैलेंज का चैलेंज में डिफरेंट सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल मैं पहला सवाल आपके साथ डिस्कस करता हूं कि यू आर टोल्ड दैट यू वोट बी गेटिंग द प्रोमोशन यू सॉट बिकॉज एनदर कैंडिडेट इज मोर क्वालिफाइड अब इस सिचुएशन में यू हैव टू चूज कि आपका रद अमल क्या होगा फॉर एग्जाम्पल ऑल दो यू आर एबसेट यू से नथिंग यू एक्नॉलेज दैट यू आर डिसअपॉइंटेड एंड रिक्वेस्ट अ फुलर एक्सप्लेनेशन और यू आस्क दैट यू नीड टू डू और टू इंप्रूव योर चांसेज फॉर एडवांसमेंट इन द फ्यूचर तो ये आपके तीन रिएक्शन एक्सपेक्टेड वो हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंट्रोल के एस्पेक्ट को देखें तो उसमें जो कुछ क्वेश्चन हमारे पास है आई डिस्कस विद यू वन ऑफ फॉर एग्जाम्पल यू ओवर हियर एन अनफ्लैटरिंग कन्वर्सेशन अबाउट उस सूरत में आपका रिएक्शन क्या होगा यू प्रिटेंड इट ड बॉदर यू यू रिमाइंड योर सेल्फ दैट द स्पीकर डोंट नो यू वेरी वेल और यू अप्रोच द स्पीकर टू अंडरस्टैंड वाई दे सी यू दैट वे सो ये हमारे पास तीन रिएक्शन हो सकते हैं एंड यू हैव टू पिक वन आउट ऑफ दीज थ्री एंड रिमेंबर के अंदर भी आपको अपनी बायसेस को कंट्रोल वो करना होगा इसी तरह जब हम कमिटमेंट की बात करते हैं तो आई रीड वन क्वेश्चन विद यू एंड इट सेज योर बेस्ट फ्रेंड सेज दैट ही और शी इज अबाउट योर हेल्थ एंड सजेस्ट दैट यू ज्वाइन हिज और हर फिटनेस क्लब अब आपके रिएक्शन क्या हो सकते हैं यू से नो थैंक्स आई एम फाइन क्लब टूगेदर सो यह हमारे पास डिफरेंट रिएक्शन हो सकते हैं रिलेटेड टू कमिटमेंट पार्ट एज वेल डियर स्टूडेंट्स अभी हमने इन एक्सरसाइजेस के अंदर देखा कि चैलेंज कंट्रोल और कमिटमेंट में हमारे पास डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन है हमारे रदल को कैलकुलेट किया जा रहा है और हम इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे कि इन एक्सरसाइजेज से गुजरने के बाद हमारा जो लेवल है वो किस कदर है अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि रेजिलियंस इज अगेन अ फैक्टर जो हमें अपने अंदर क्रिएट करना है और हमें ये क्रिएट करने के लिए जरूरी होगा कि कुछ माइंडफुल एक्सरसाइजेस वो अंडरस्टैंड करें हम अपने आप को ट्रेन एंड डेवलप करें हम अपने वक्त को कुछ अपने लिए भी सर्व करें ताकि हम जान पाए कि सेल्फ कंपेशन रेजिलियन सेल्फ एफिकेसी इन तमाम पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ हम किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस को और अपनी जनरल लाइफ को बेहतर से बेहतर वो बना सकते हैं थैंक यू